सो हेलो जी, वेलकम बैक टू फादर नेक्स्ट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है भाई? बहुत 3 हफ्ते से मैंने नेपाली बाबू की वीडियो के ऊपर रिएक्शन नहीं दिए, तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं नेपाली बाबू की एक वीडियो के ऊपर, जिसमें से नेपाली बाबू ने एक इंडियन बिहारी को रिप्लाई दिया है। पहले मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो और नेपाली बाबू के चैनल को विजिट कर सकते हो। और 1990 के आसपास जो है उस पहाड़ को काट के जो है ये नदी चौड़ा कर दिया गया। और ये नदी चौड़ा इसलिए कर दिया गया कि उस समय जब नेपाल में बाढ़ आता था तो नेपाल पूरा बह जाता था, पूरा तबाह हो जाता था, पूरा बर्बाद हो जाता था। नेपाल की दादागिरी देखिए, एक छोटा सा देश साला नेपाल, और इसकी दादागिरी देखिए कि इसमें 36 स्पैम है। इस बैराज में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इस 6 स्पैम में से 18 स्पैम हिंदुस्तान में है और 18 स्पैम नेपाल में है। हिंदुस्तान ने 18 स्पैम का रिपेयरिंग कराया है, लेकिन नेपाल जो है वो 18 स्पैम का रिपेयरिंग नहीं करने दे रहा है। पता है क्यों? दादागिरी है नेपाल का, और इतनी बड़ी दादागिरी है कि बिहार बाढ़ में मर जाए, डूब जाए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर वो 18 स्पैम टूट भी जाता है तो बाढ़ आएगा बिहार में, नेपाल में नहीं। ये सोचिए, और इस बात को मीडिया नहीं दिखाता है कि बिहार क्यों डूब रहा है। पंजाब में बिहार नंदन बांध बनवाया और पंजाब में आज 80% कम बाढ़ आता है। अगर ये जो है डायरेक्ट 100 किलोमीटर लंबा इस साइड बांध और उस साइड बांध बनवा दिया जाए, नेपाल जहां तक है वहां तक छोड़ दिया जाए और नेपाल के आगे बांध बनवा दिया जाए, तो बिहार में भी 80% कम बाढ़ आएगा। लेकिन वाल्मीकि नगर में नीतीश कुमार आते हैं, विकास करने के नाम पे विकास पैदा करने की कोशिश करते हैं वाल्मीकि नगर में, लेकिन ना वो विकास कर पाते हैं और ना ही विकास पैदा कर पाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप राष्ट्रवादी सरकार के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हैं, इस नीतीश कुमार के साथ मिलकर रहोगे तो आपका भी छवि जो है धूमिल होगा। ये पूरा सामने दिख रहा है मोदी जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सामने जो दिख रहा है ना मोदी जी, ये पहाड़, ये हिंदुस्तान का पहाड़ है जिसपे नेपाल का कब्जा है। ये पहाड़ के इस साइड हिंदुस्तान होना चाहिए, लेकिन इस साइड नेपाल आ चुका है। वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ के इस साइड हिंदुस्तान है। हम पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाने की बात करते हैं, और ये साला टुटपुंजिया नेपाल जो है हमारे लोगों पे गोली चलाता है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जंगल जो है वाल्मीकि नगर में है, और नीतीश कुमार जी इस जंगल में मंगल करने आते हैं कि वाल्मीकि नगर का विकास करने आते हैं। आज तक वाल्मीकि नगर के लोगों को भी पता नहीं चला, बिहार के लोगों की तो बात ही दूर की बात है। पता नहीं प्रशासनिक अधिकारी जो है और नेता जो है, पता नहीं सरकार को बताते हैं कि नहीं बताते, ये डैम जो है जर्जर हो चुका है। अगर किसी दिन ये डैम टूट गया ना तो पता हो जाएगा। ये टुटपुंजिया देश नेपाल जब हमारे साथ धोखा कर सकता है, तो हमारे देश के पास राफेल फाइटर है, यहाँ पे तैनात किया जाए और सीधा डैम वहाँ पे बनाया जाए और वहाँ पे रोका जाए पानी, और इस साला नेपाल को सबक सिखाया जाए। इस नेपाल की वजह से पूरा बिहार जो है बाढ़ में डूब जाता है, मर जाता है। मैं ग्राउंड जीरो पे जाता हूँ और जीरो पे जाकर लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर समस्या कहाँ है। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक साधारण बिहारी हूँ जो बिहारियों की समस्याओं से वाकिफ है और बिहारियों की समस्याओं के लिए आवाज उठा रहा है। ये पहाड़ इस साइड का और इस साइड का, अगर दोनों पहाड़ के बीच में जो है अगर एक गेट लग जाता है, जो ये सामने वाल्मीकि नगर बैराज दिख रहा है वैसा ही बैराज लग जाता है अगर यहाँ पे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये नेपाल जो है बात बात में पानी छोड़ के बिहार को बर्बाद करने की धमकी देता है ना, इस तो साला नेपाल जो है बाढ़ में डूब के मर जाएगा। ये साला को भगा देंगे, ये नेपाल साला जब बाढ़ में डूब रहा था तो हमारे देश के नेताओं ने इस नेपाल को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया और रास्ता दे दिया, और आज ये नेपाल ने धोखा हमारे साथ ये किया है कि नेपाल में जितनी भी नदियां हैं उस सारी नदियों को छोड़ के और पानी जो है हिंदुस्तान में छोड़ देता है। नेपाल का इतना हिम्मत और हौसला कब से हो गया कि ये साला नेपाल जो है हमारे देश के लोगों को गोली मार देता है, और हमारा भीष्म टैंक जो है वो चुपचाप अपने घरों में सोया का सोया रह जाता है। मोदी जी आदेश दो,
और साला उतारो यहाँ पे 100 भीष्म टैंक, 5 रफेल फाइटर और हमारा मिराज और सुखोई जो है उतार दो, और चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा दो। इस नेपाल के वजह से बिहार के 12 करोड़ लोग परेशान होते हैं, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग परेशान होते हैं, उत्तराखंड के 5 करोड़ लोग परेशान होते हैं और पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोग परेशान होते हैं। इस नेपाल के वजह से आधा हिंदुस्तान में बाढ़ आता है, और सिर्फ ये नेपाल साला जब डूबता था मरता था तो हमारे अबे तू भी सुन, कान खोल के सुन, अबे बड़ुए तू छेद करेगा नेपाल को, नेपाल का पहाड़ को तू छेद करेगा, हाँ ताले चीनी चोर, जूते चोर, तू छेद करेगा नेपाल को, धमकी देता है, रिफेल का धमकी देता है। अबे कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये मुद्दे तेरा नहीं है, ये मुद्दे गवर्नमेंट का है, जो कुछ भी होता है ना गवर्नमेंट का होता है। ये नेपाल और नेपालियों को गाली देगा ना चीनी चोर जैसा, तेरा थोपड़ा है ना थोपड़ा, यहाँ के लोग नहीं, नेपाल के लोग नहीं, तेरे उधर के लोग ही बिगाड़ देंगे। याद कर, पहले का जैसा नेपाल अभी नहीं रहा। मैं तेरे गोदी मीडिया को भी बार बार समझा चुका हूं, और गोदी मीडिया इस वक्त लाइन में आ चुका है, और चीनी चोर, अबे सकल से चीनी चोर जैसा लग रहा है, और बातें बड़े बड़े करता है तू, हाँ नेपाल को धमकी देता है तू, रेफेल लेके आके तोड़ेगा पहाड़ को, मारेगा नेपालियों को, मार के देखा, हिम्मत है तो आगे आके देखा, चला आएगा तू आगे, हाँ चीनी चोर जैसा सकल वाले, हाँ क्या बोला तूने, साला नेपाल, साले का मतलब समझता है बे तू, हाँ चीनी चोर, अबे खुद साले जूता चोर जैसा लग रहा है साले, दूसरों को सालों सालों बोल के गाली दे रहा है तू, भोक रहा है तू, भोकने का इतना ही शौक है ना, चल अंदर आ नेपाल के अंदर आके भोक के देखा, इतना ही बहादुर है ना तू, आके भोक के देखा। अबे वरना ऐसे तुच्छ शब्द किसी पर भी इस्तेमाल करने से पहले सोच ले, मैं तेरे को बोल चुका हूं, तेरा जो गोदी मीडिया बार 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 झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जा रहा था, और हमने बार बार प्यार से सबक सिखाने की कोशिश की, और आज गोदी मीडिया ने सबक सीख चुका है, और तू उछल रहा है, क्यों तेरे को चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तस्करी करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, अभी नेपाल का नाका बंद है तो तस्करी करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए भोके जा रहा है, हाँ अभी पानी का भी जो प्राकृतिक का वो जो प्राकृतिक भी इफेक्ट करता है वो भी ब्लेम नेपाल के ऊपर लगा रहा है, ये तेरे मुद्दे का बात है। अबे चीनी चोर कान खोल कर सुन ले, तू अपने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है, अपने गवर्नमेंट के ऊपर अंगुली खड़ा कर सकता है, तू नेपाल के ऊपर अंगुली नहीं खड़ा कर सकता, तेरे में इतना हिम्मत कहां से आया बे, कहां से आया, बोल रहा है ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे करके देखा ना बेटे, आ तू आ, हम खड़े हैं, आ तू सामने तो आ, कभी तू भोके जा रहा है कुत्ते के जैसा, भोके जा रहा है, भोके जा रहा है, भोके जा रहा है, हम मिलने की कोशिश कर रहा है, तू लड़ाने की कोशिश कर रहा है, हाँ बिल्कुल, बिहार तो नेपाल का बॉर्डर है ना, तो क्यों इतना तू उछल मुछल कर रहा है बे, जाएगा किधर, नेपाल को ही सामान बेच के, नेपाल से ही सामान ले जाके उधर बेच के अपना जीविका चलाने वाला तू, नेपाल के ऊपर चलाएगा गोली, और तूने क्या बोला है, नेपाल ने गोली चलाया, कब चलाया वे, अगर नेपाल ने गोली भी चलाया है तो तेरे जैसे भड़ुए के ऊपर, जो तस्करी होते हैं ना, दो नंबर धंधे करते हैं, याद है जो भी दो नंबर धंधे करते हैं, लागू पदार्थ इधर से उधर, उधर से इधर करते हैं ना, ऐसे लोग लड़ते हैं हमारे आर्मी लोग से, हमारा सशस्त्र लोग से, इसीलिए गोली मारने पर मर जाते हैं मजबूरन, अच्छे इंसान को कुछ भी नहीं होता है। अगर हमारे इधर का लोग भी अगर ऐसे ही हरकत करे इंडिया के पुलिस वाले के साथ, आर्मी के साथ, तो क्या करेंगे वो लोग भी, सीधा गोली ठोकेंगे, देखेंगे भी नहीं। और सुधर जा नेपाली, और नेपाल के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले सुधर जा, और तू इस तरफ आना ही नहीं, तूने नेपाल सारा नेपालियों को गाली दिया है और नेपाल को गाली दिया है,
नेपाल के जमीन पर अपना कदम भूल के भी नहीं रखना। अब तेरा तलाशी करेंगे, तेरा तलाश करेंगे हर नेपाली, याद रहेगा हर नेपाली को तेरा चोर जैसा शकल। इसीलिए सुधर जा, टाइम में ही सुधर जा। जय नेपाल। दूसरी बात यह कि नेपाली बाबू काफ़ी अच्छा काम करे नेपाल के लिए और नेपाल के लोगों के लिए, काफ़ी रिप्लाई देते हैं इंडिया के लोगों को, क्योंकि ये इशू जब से उठा है तब तो नेपाली बाबू रिप्लाई टू इंडियन बिहारी स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में।